स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशेष फोरम में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर और पासवर्ड की जरूरत होती थी, और काफी बच्चों के पास पासवर्ड नहीं होने की वजह से एडमिट कार्ड निकालने में काफी प्रॉब्लम होती थी। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक नया लिंक जारी किया है, जिसकी मदद से आप केवल रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और अपने नाम से और डेट ऑफ बर्थ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, सो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट msuweb.in पर आ जाना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट msuweb.in पर विजिट करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, तो एक पॉपअप विंडो शो होगी। यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया होगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद आपको सर्च नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च नाउ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने आपके कुछ बेसिक डिटेल्स शो होगी, जैसे कि आपका सेमेस्टर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका कोर्स नेम, और किस सेमेस्टर का आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर शो होगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड खुलकर आपके सामने आएगा। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कोर्स का और किसी भी सेमेस्टर का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विशेष फॉर यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे।